अब देखिएगा बच्चों, कल हमने कुछ परिभाषाएं लिखाई थी, उसके बाद जो शेष बचा हुआ पाठ जो है वो देखिए आज पूरे कराएंगे। अब उसमें क्या है, एक क्वेश्चन ये होता है, हमने बताए हैं क्वेश्चन ये है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित करो करो। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। या ये नहीं पूछते हैं तो इस तरह से पूछते हैं, या करके लिख लेते हैं, फोकस दूरी दूरी एक बटे एफ बराबर एक बटे बी प्लस एक बटे यू का निगमन कीजिए, ठीक है। ये आर्टिकल है, किस तरह से हम प्रूफ करते हैं इसे देखना है, तो इसका हल देखिए बच्चे, इस आर्टिकल को किस तरह से प्रूफ करते हैं। तो हमने बताइए, अवतल दर्पण में फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित करो, या फोकस दूरी एक बटे एफ बराबर एक बटे बी प्लस एक बटे यू का निगमन कीजिए, या फिर ये लिख ले, इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह से निकालते हैं। पहली बात ये है, हम एक फिगर बनाएं, क्योंकि कही है अवतल दर्पण, तो एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण की उभरी हुई सतह पर क्या होती है, पॉलिश, क्या होती है, पॉलिश, जिसके जस्ट बीच और बीच यानी मध्य में बिंदु होता है, जिसे क्या बोलते हैं, पोल, ध्रुव, ठीक है। तो इस तरह से इसे हम क्या बोलते हैं, अक्ष, क्या बोलते हैं, अक्ष यानी मुख्य अक्ष, ठीक है। ये मान लीजिए तुम्हारा है वक्रता केंद्र सी, और ये मान लीजिए इन दोनों के जस्ट बीच में है फोकस एफ, ठीक है। वस्तु तुम्हारी जो है यहाँ रखी है, वस्तु मान लीजिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है, जिसका नाम देते हैं ए बी, ये वस्तु है। इस वस्तु के प्रतिबिंब की पहली स्थिति निकाल लें, किस तरह से, देखिए एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित होकर फोकस से गुजर जाती है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी किरण प्रकाश यानी वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित होकर उसी मार्ग से लौट जाती है। इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए वन बी वन, ठीक है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। इस तरह से हम ये चित्र को सजा लेती हैं। तो यही भाषा जो है हम लिख लेते हैं हिंदी में, किस तरह से वो देखिए, वो भाषा तुमको लिखना है, हम धीमे धीमे करके एक एक शब्द बोलेंगे और लिखते जाइए, किस तरह से लिखते हैं, लिखिए, कॉपी निकालिए, नोट करिए। अब देखिए बच्चों, सभी ने चित्र नोट कर लिया, इसके बाद अब लिखिएगा, परिभाषा थोड़ी लिखनी है। देख किस तरह से अवतल दर्पण में, धीमे धीमे बोल रहे हैं, उसी हिसाब से लिखते जाइए पेन से। अवतल दर्पण में जब वस्तु
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो तो एक किरण मुख अक्ष के समांतर आती हुई दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित होकर फोकस से गुजर जाती है इसी प्रकार दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। इस प्रकार वस्तु एवी का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा उल्टा वास्तविक A1B1 बनता है ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं, अब आर्टिकल को किस तरह से प्रूफ करते हैं। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम M दे दिया। M देने के बाद क्या हुआ, इस रेखा ये वस्तु है, इस वस्तु के सापेक्ष हमने इस तरह से लंब डाल दिया, ये बिंदु का नाम रख दिया हमने N। अब देखिए आर्टिकल किस तरह से प्रूफ करते हैं, अब पहले समझ लीजिए सही बच्चे। देखिए अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ध्रुव से फोकस तक के बीच की दूरी स्मॉल है, कैसी है, स्मॉल है ठीक है, यानी फोकस दूरी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम मान लेते हैं V है, क्या है, V है ठीक है। इसके बाद ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या स्मॉल R मान लेते हैं ठीक है। ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम मान लेते हैं U इस तरह से, तो ये हम नोट कर लेंगे बाद में, पहले आर्टिकल के बारे में देखिएगा। अब देखिए मैथमेटिकल स्टैटिक्स है, यानी सिस्टम है, किस तरह से इसे प्रूफ करते हैं। अब देखिएगा एक मिनट, ये डिस्टेंसें जो हैं वो मान के हम लिख लेते हैं, ये डिस्टेंसें जितनी भी हैं ध्रुव से उल्टे पक्ष की तरफ हैं, तो ये सभी डिस्टेंसें हम निगेटिव में लेंगे, माइनस में सब दूरियाँ लेंगे ठीक है। तो ऊपर जरा इनका नाम लिख लेते हैं किस तरह से, देखिए एपी यू का लिख लेते हैं यू ठीक है, और सीपी इक्वल लिख लेते हैं आर, निगेटिव में सभी दूरियां निगेटिव में यानी माइनस में लेते हैं ठीक है, और ए वन पी बराबर हम लिख लेते हैं बी माइनस की ठीक है, और एफ पी बराबर स्मॉल एफ माइनस में, इस तरह से सभी दूरियां हम
माइनस मिलेंगे। अगर प्रतिबिंब मान लीजिए आवासी बने तो v का मान हमेशा धनात्मक लेंगे, क्योंकि ये उस तरफ हो जाएगा, सीधे हाथ की ओर हो जाएगा, इसलिए वो दूरी हमेशा धनात्मक लेंगे अगर प्रतिबिंब मान लीजिए आवासी है तो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में थोड़ी देर के लिए देखते हैं कैसे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए वन सी बी वन, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, अर्थात दोनों की शक्ल एक जैसी है। ठीक है, समरूप मीन्स होता है छोटे बड़े तो हो सकते हैं परंतु शक्ल एक जैसी हो, तो उसे हम समरूप कहते हैं। तो समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है क्या, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। कैसे, इस त्रिभुज की भुजा ए बी बटे इसी के संगत इस त्रिभुज की भुजा ए वन बी वन बराबर इस त्रिभुज की भुजा ए सी बटे इस त्रिभुज की भुजा ए वन सी, समीकरण नंबर एक इस तरह से हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इस ओर आते हैं, इस ओर इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखते हैं, ये दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के समरूप हैं क्योंकि इन दोनों की शक्ल एक जैसी है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज एम एन एफ समरूप त्रिभुज ए वन एफ बी वन, आप उसमें कैसे समरूप है, तो समरूप की कंडीशन होती है संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है इसी जैसे। तो इतनी इस त्रिभुज की भुजा लेते एम एन बटे ए वन बी वन बराबर इस त्रिभुज ये भुजा एफ एन बटे ए वन एफ। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं, ये भुजा और ये भुजा कैसी है, बराबर है, तो हम लिख देते हैं एम एन बराबर ए बी, एम एन की जगह आप क्या लिख देते हैं ए बी, तो यहाँ लिखते हैं। अब इसके बाद हम इधर लिखते हैं, इधर देखिएगा, इस ओर लाइन कर दी हमने, यहाँ लिख दिए, देखिए ए बी बटे ए वन बी वन बराबर एफ एन बटे ए वन एफ, इस तरह से हमने लिख दिए। अब इसका नाम रख दिया समीकरण नंबर दो। समीकरण एक और दो से जरा देखें, एक एक पक्ष एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर होगी, देखिए एक एक पक्ष बराबर है तो इसकी दूसरी दूसरी पक्ष भी बराबर होगी, तो यूं लिख देते हैं ए सी बटे ए वन सी। ठीक है, ए सी बटे ए वन सी बराबर, ठीक है, एफ एन बटे ए वन एफ, इस तरह से हम नोट कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी एक बात जरा सी है वो और विशेष कर ध्यान रखनी है, ये डिस्टेंस जो दिख रही है ये डिस्टेंस बहुत ही छोटी होगी, अर्थात मामूली होगी, कहने का मतलब यहाँ तो दिखा दिया इतनी जगह है लेकिन ये रियल में डिस्टेंस अति सूक्ष्म होगी, अर्थात बिंदु एन जो है पी पर ही होगा। तो यहाँ लिख देते हैं रेखा या दूरी एन पी बहुत ही कम है, अतः बिंदु एन पी पर स्थित होगा। ठीक है बच्चों, तो जहां पर लिखा है एफ एन, जहां पर क्या लिखा है एफ एन, तो वहां पर लिख देते हैं एफ पी, जहां पर एफ एन लिखा है वहां पर लिख देते हैं एफ पी। देखिए ए सी बटे ए वन सी बराबर एफ पी बटे ए वन एफ। अब इस जे निकल के जो आई है कंडीशन, हाँ अब बच्चों देखिएगा, ये तुम्हारा मेन कंडीशन निकल के आई, ये तुम्हारा इस रिलेशन यानी संबंध निकल के आए, इसके संबंध को हम किस तरह से शो करते हैं,
अब AC बराबर देखते हैं कौन सी डिस्टेंस है, AC ये डिस्टेंस हुई। इस डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं देखिए, इधर AP इतनी माइनस इतनी, तो यही तो बची ये डिस्टेंस शेष रही, तो पूरी AC डिस्टेंस को हम लिख देते हैं AP माइनस CP, ठीक है AP माइनस CP, AC को हमने लिख दिया। अब A1C देखिए, A1C जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लिख देते हैं इतनी अर्थात CP माइनस A1P, CP माइनस A1P लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए FP, FP कौन सी है, इतनी भुजा, इतनी भुजा बच्चों ये दिया है F है तो इसे नहीं चेंज करेंगे, तो FP लिखी रहने में A1F, A1F ये हुई, इसे किस तरह से चेंज करेंगे, इतनी माइनस इतनी, जयित बची तो लिख देते हैं A1P माइनस PF या FP, एक ही बात है, ठीक है। अब इसके मार रखते हैं, AP के स्थान पर क्या रखते हैं देखते आइए, AP के स्थान पर क्या लिखा है, माइनस U लिख दिए माइनस, और CP के स्थान पर क्या लिखा है, माइनस R, तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बटे CP की जगह है माइनस R, और A1P की जगह है माइनस B, माइनस पहले से है माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब FP, FP की जगह पे माइनस है, ठीक है, और A1P की जगह पे A1P, देखिएगा A1P माइनस भी दिया है, ठीक है, और FP की जगह माइनस F तो प्लस F, ये कर लिया। इसके बाद चूंकि हम पढ़ चुके पीछे, फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या बटे दो, होता है कि नहीं, पीछे पढ़ चुके फोकस दूरी की परिभाषा में, ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं R बराबर 2F, इस तरह से निकाल लिए। अब ये R के स्थान पर ये पुट कर दें यानी रख दें, कैसे, माइनस U प्लस 2F अपॉन माइनस 2F प्लस B बराबर माइनस F अपॉन माइनस B प्लस F, ये लिख दिए। अब देखिए बच्चों बोर्ड पूरा भर गया, इसे जरा उतार ले कॉपी पर, उसके बाद आगे थोड़ा कराएं, ठीक है, नोट करिए फटाफट। हाँ, इसके बाद अब देखिए ये साफ करते हैं, अब साफ करने के बाद इसके आगे किस तरह से हम लिखते हैं देखिए, इसके बाद अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें और इसका इसमें, पहले माइनस बी से पूरे मल्टीप्लाई करें, तो प्लस के यू बी, ठीक है, माइनस के टू एफ बी, ठीक है। अब इसका b का पूरे से मल्टीप्लाई हो गया, इसके बाद f का पूरे से करें, माइनस एफ यू प्लस टू एफ स्क्वायर, ठीक है, बराबर अब इस f का इसमें मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस टू एफ स्क्वायर माइनस एफ बी, इस तरह से हम लिख लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं टू एफ कैंसिल आउट, अब इसमें u भी यहीं पर रखें और बाकी की सभी उधर पहुंचाएं, तो 2fb प्लस fu माइनस fb, ठीक है, ub बराबर, अब क्या करते हैं इसमें, इसमें देखिए 2fb और 1fb सब्ट्रैक्ट होते हैं तो fb बचते हैं प्लस fu, ठीक है। अब क्या करते हैं ub से
भाग देने पर, भाग देने पर यू वी से इसमें दे दें भाग, तो ये बचे यू वी अपॉन यू वी बराबर एफ वी अपॉन यू वी प्लस एफ यू अपॉन यू वी। तो ये कट के कितने आए, वन। तो वन बराबर बी से बी कटे, यू से यू कटे, तो एफ अपॉन यू प्लस एफ अपॉन बी ये बचे। अब एक बराबर इन दोनों से कॉमन क्या है, एफ, तो वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन बी। अब गुणांक कटे तो भाग में जाइए, एक बटे एफ बराबर एक बटे यू प्लस एक बटे बी। अब ये आर्टिकल तुम्हारा हुआ कंप्लीट। अब इसे नोट कर लें, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। अब इसके बाद आगे कल बताएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस।